की एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, ऐसी ही एक तस्वीर है उस तारीख की जो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो गई, यानी 7 सितंबर। 7 सितंबर को इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की चांद पर लैंडिंग की तस्वीर। ये तस्वीर साफ तौर पर कह रही है कि पृथ्वी स्थित इसरो सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क 335 मीटर की ऊंचाई पर टूटा था, ना कि 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जो समय विक्रम लैंडिंग कर रहा था उसकी डिटेल इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की स्क्रीन पर एक ग्राफ के रूप में दिख रहा था। इस ग्राफ में 3 रेखाएं दिखाई गई थी, जिसमें से बीच वाली लाइन पर ही चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर अपना रास्ता तय कर रहा था। ये लाइन लाल रंग की थी। ये विक्रम लैंडर के लिए इसरो वैज्ञानिक द्वारा तय किया गया पूर्व निर्धारित मार्ग था, जबकि विक्रम लैंडर का रियल टाइम पाथ हरे रंग की लाइन में दिख रहा था। ये हरी लाइन पहले से तय लाल लाइन के ऊपर ही बन रही थी। सब सही चल रहा था। विक्रम लैंडर का रियल टाइम पाथ यानी हरी लाइन उसके पूर्व निर्धारित मार्ग वाली लाइन पर एक साथ चल रही थी। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 4.2 किलोमीटर के ऊपर भी विक्रम लैंडर के रास्ते में थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन वो ठीक हो गया था। लेकिन ठीक 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो तय रास्ते से अलग दिशा में चलने लगा। इस समय ये चांद के सतह की तरफ 59 मीटर प्रति सेकंड 212 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आ रहा था। 400 मीटर की ऊंचाई तक आते आते विक्रम लैंडर की गति लगभग उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिस गति से उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसी ऊंचाई पर वो चांद की सतह के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा रहा था, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह की स्कैनिंग कर सके। ये तय किया गया था कि 400 मीटर से 10 मीटर की ऊंचाई तक विक्रम लैंडर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आएगा। 10 से 6 मीटर की ऊंचाई तक 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे लाया जाएगा, फिर इसकी गति 0 कर दी जाएगी। चांद की सतह पर उतरने के लिए 15 मिनट के तय कार्यक्रम के दौरान विक्रम लैंडर की गति को 1680 मीटर प्रति सेकंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 0 मीटर प्रति सेकंड करना था। 13वें मिनट में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की स्क्रीन पर सब रुक गया। तब विक्रम लैंडर की गति 59 मीटर प्रति सेकंड थी। चांद की सतह से 335 मीटर की ऊंचाई पर हरे रंग का एक डॉट बन गया और विक्रम से संपर्क टूट गया। इसके बाद विक्रम लैंडर चांद की सतह से टकराया। हालांकि इसरो वैज्ञानिक अब तक उम्मीद नहीं हारे हैं, विक्रम से संपर्क साधने में लगे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।